हरे कृष्णा। तो इनका प्रश्न है कि क्या भक्ति जीवन को अनुकूल करने के लिए हमें घर त्यागने की आवश्यकता है या नहीं। तो चलिए इसको समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं और उसी के माध्यम से समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो आप मेरे को बताइए कि अगर कोई इंडियन आर्मी में है तो क्या उसे अपना घर त्याग करने की आवश्यकता है अपना जॉब पे जाने के लिए या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसे ही मतलब घर घर पे वो कभी कभी वो जो उनका जो ड्यूटी है वो ड्यूटी छोड़नी पूरा पड़ता करने है। के लिए जाना हाँ होता है। तो भक्ति जीवन को अनुकूल करने के लिए क्या हमें त्यागने की आवश्यकता है अपने घर बार को, तो उसे समझना चाहिए इस उदाहरण के माध्यम से। अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं और आपको आर्मी में बोल दिया जाता है कि तुम कश्मीर में जाके अभी लड़ाई करो, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं, ऐसा कह सकते हैं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। तो हमें जाना पड़ता है। तो भक्ति क्या है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। भक्ति है जो कि हमारे तन मन धन और इंद्रियों से की जाती है भगवान के लिए। और इस संसार में कई प्रकार के मनुष्य हैं और कई प्रकार के मनुष्यों की भावना विचार भी अलग अलग तरीके के हैं। तो जो अपने घर पर रहकर भक्ति करना चाहता है उसके लिए एक गृहस्थ आश्रम नाम की चीज़ लागू की जाती है, जिसमें वह अपने मम्मी पापा पति पत्नी बच्चों इत्यादि के साथ रहकर घर पे भक्ति करे। और जो घर पे रहकर भक्ति नहीं करना चाहता है उसके लिए क्या है, एक आश्रम है जिसे कहते हैं गुरु का आश्रम। और उस गुरु के आश्रम में वह अपनी इच्छा अनुसार आता है और वहाँ रहकर क्या करता है, वहाँ रहकर भक्ति करने का प्रयास करता है गुरु के आदेशों अनुसार। तो बहुत सरल है ना ये, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कि हमें भक्ति करनी है तो हम घर पे रहें या बाहर रहें। आप अपने आप से पूछिए कि आप कहाँ पर रहकर कंफर्टेबली भक्ति कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे कि अगर किसी को जाके पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ना है बॉर्डर पे, तो वो क्या करेगा, अपने घर पे रहकर लड़ पाएगा? नहीं, वो जाएगा और जाकर वॉर फ्रंट पे युद्ध भूमि पर जाके लड़ाई करेगा। उसी प्रकार अगर हमें भक्ति करनी है और हमें माया से बचे रहना है तो आवश्यक क्या है कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहें जो उस चीज़ का पालन बहुत ही कठोरता और दृढ़ता से करते हैं। और उसके लिए एक गुरु का आश्रम होना बहुत ही अच्छा है। तो अगर कोई गुरु के आश्रम में रहकर भक्ति करता है तो क्या गलत है? नहीं, नहीं। और कोई घर पर रहकर भक्ति करता है तो वो गलत है? वो भी नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर आपका मन है वहाँ रहिए और वहाँ रहकर प्रेम से और श्रद्धा से भगवान की भक्ति कीजिए। क्यों? क्योंकि भक्ति करना जरूरी है, किस आश्रम में है वो जरूरी नहीं है। वो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आपका मन कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह का मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। मिसकंसेप्शन इसलिए है क्योंकि उनको कोई कंसेप्शन ही नहीं है इसके बारे में। मिसकंसेप्शन करेक्ट तब है। होता है जब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। दे डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसके कारण उनको क्या लगता है कि अगर कोई भक्ति करेगा तो वो सब छोड़ देगा। तो छोड़ना भक्ति करने का उद्देश्य नहीं है। अगर आप सब छोड़ देंगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति क्या होती है कि जो है उसे भगवान की सेवा में लगाओ। अगर आप हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाते थे तो आपने क्या छोड़ा? सब आप ही का हुआ ना। बट आप क्या कर रहे हैं, उसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। दिस इज भक्ति। भक्ति छोड़ना नहीं होता है, भक्ति हर एक चीज को राइट कॉज के लिए यूज करना होता है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी भक्ति करने की इच्छा है या आपके किसी प्रियजन की भक्ति करने की इच्छा है तो उसे ज्यादा मत नीचा दिखाइए या परेशान कीजिए। अगर आप ज्यादा परेशान करेंगे तो वो वैसे ही छोड़ के चला जाएगा, लेकिन अगर आप उसके साथ उसका सहयोग देंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो वो आपके साथ रहकर खुशी से भक्ति कर पाएगा। और इससे भक्ति में ना उसे कोई बाधा आएगी ना आपको कोई परेशानी आएगी। तो आप खुद भी भक्ति करिए और दूसरों को भी खुशी से करने दीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण।